फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बिना दूध और बिना मावा के ये परफेक्ट बर्फी। सबसे अच्छी बात इसे बनाने में 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है। अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत कम सामान में बहुत कम समय में परफेक्ट बर्फी बनकर तैयार होगी। आप इसे नवरात्रि पर या जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इसे इंस्टेंट बना सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि एक भी स्टेप मिस ना हो और आप परफेक्ट बर्फी बनाकर तैयार कर लें। इसके लिए हमें 1 कप या कटोरी मिल्क पाउडर लेना है, उसमें आधा कटोरी या कप घी डालेंगे। जितना हम मिल्क पाउडर लेते हैं उसका आधा हमें घी लेना है और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी डालने के बाद मिल्क पाउडर कुछ इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब बनाते हैं चाशनी। तो जितना हम मिल्क पाउडर लेंगे उतना ही हम चीनी लेंगे, तो 1 कप मिल्क पाउडर में 1 कप चीनी लिया है और आधा कप इसमें पानी डालेंगे। हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 बॉयल आने तक चाशनी को पका लेंगे। 1 बॉयल आने तक ये 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। चाशनी को हल्का सा ठंडा करके कुछ इस तरीके से चिपका कर देखते हैं, तो देखिए इसमें एक लाइन सी दिख रही है, इसे हम 1 तार की चाशनी बोलते हैं। तो चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर में हमने घी को पहले ही मिक्स कर दिया था, तो इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। आप इसे बिना किसी डर के इसमें डाल सकते हैं। और देखिए मिल्क पाउडर अच्छे से चाशनी में मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाना है। पहले हम बर्फी को चेक करेंगे, उसके बाद ही गैस बंद करेंगे। तो गैस की फ्लेम लो करके थोड़ा सा मिक्सर हम किसी कटोरी या प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद हाथों से इस तरह से कंबाइन करके देखेंगे। अगर ये नहीं चिपक रहा है तो हमारी बर्फी परफेक्ट बनकर तैयार है। तो अब हम इसे एक थाली या प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक बर्तन तैयार कर रखा है जिसमें बटर पेपर लगाकर उस पर कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और इसमें हम इसको निकाल देंगे और इस तरीके से इसे अच्छे से सेट करके रख देंगे। आप इसे कुछ देर के लिए फ्रीज में रख दीजिए या फिर घंटे भर के लिए आप पंखे की हवा में भी रखेंगे तो भी ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हमने इसे घंटे भर पंखे की हवा में ही रखा है और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से निकल गई है। और बटर पेपर को हम हटा देंगे, इसको जितने छोटे या बड़े पीस आप काटना चाहते हैं वैसे आप काट लीजिए। और काटने पर ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इतने कम समय में आपने इतनी अच्छी मिठाई बनाई है क्या। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को बनाकर अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये आसान सी रेसिपी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।